साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे क्लास 10 NIOS उर्दू चैप्टर 2 ईदगाह। ईदगाह के बारे में प्रेमचंद का लिखा हुआ है। सबसे पहले हम प्रेमचंद का एक तारुफ कर लेते हैं, प्रेमचंद के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद उर्दू अफसाना के बेताज बादशाह हैं। उर्दू अफसानवी अदब में उनकी शख्सियत किसी तारुफ का मोहताज नहीं। डॉक्टर अब्दुल रऊफ के मुताबिक उर्दू फिक्शन की तारीख में एक भी शख्स ऐसा नहीं जिसे प्रेमचंद के मुकाबले में पेश किया जा सके। उनका फन उनका इफाकी हैसियत बख्शता है। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। वाराणसी के एक छोटे से गांव लम्ही में 31 जुलाई 1880 को मुंशी अजाइब लाल के घर में पैदा हुआ। वालिद अजाइब लाल एक डाक खाने में मुंशी थे, इसलिए प्रेमचंद की इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में हुई। उर्दू और फारसी की तालीम हासिल करने के बाद इंटर का इम्तिहान पास किया और स्कूल में पढ़ाने लगे। मुलाजमत के दौरान ही बीए की डिग्री भी हासिल की। प्रेमचंद को बचपन ही से लिखने का शौक था। उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोजे वतन के नाम से शायद वही कहानियाँ वतन दोस्ती और आज़ादी के जज्बात के अक्कासी कर। उन्होंने जल्द ही मुलाजमत से भी इस्तीफा दे दिया और उर्दू की दुनिया में कूच कर गए, जहाँ उन्हें बेपनाह शोहरत नसीब हुई। दुनिया का अलमोन रतन उनका पहला अफसाना है, जो 1908 में रिसाला जमाने के कानपुर से शाया हुआ। प्रेमचंद ने अवामी जिंदगी को अपने अफसाने का मौजू बनाया और एक इस्लाह पसंद इंसान थे और समाज में फैली बुराइयों को दूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने अफसाने में रोजमर्रा की जिंदगी को मौजू बनाया। प्रेमचंद ने नॉवेल और अफसानों के अलावा ड्रामे और मजामीन भी लिखे। उनके अफसानों के मजमुए प्रेम 25, प्रेम 40, ज़्यादा और वारदात। नोवेल में बाजार हुस्न, गोशे आफियत, मैदान अमल, जोगान हस्ती और गोदान बहुत मशहूर है। 8 अक्टूबर 1936 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो एक मुख्तसर तारुफ था प्रेमचंद के बारे में कि प्रेमचंद ने कैसे कहाँ जन्म लिया और कहाँ पैदाइश हुई, कहाँ इंतकाल हुआ उनका। उम्मीद है कि आपको प्रेमचंद के बारे में मालूमात पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हौसला अफजाई के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।